चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सी का और वाला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या बोला है, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ पीक्यू, पीक्यू का डिस्टेंस पता करना है, पीआर का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ये डेटा की हेल्प से आपको पता करना है। मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट दे दिया है 100 एंड एडिटिव कॉन्स्टेंट 0 दे दिया है, मतलब मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो के की वैल्यू 100 दे दिया है और सी की वैल्यू 0 दे दिया है, क्लियर, इतना दे दिया है और ये कुछ डेटा दिया है, ठीक है। पी से क्यू के लिए अगर मैं बात करूँ, फॉर पी क्यू के लिए अगर बात करूँ तो एस वन मुझे पता करना है, तो एस वन कैसे मिलता है, मैं आप थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ, जैसे ऐसे कोई डायग्राम है, इस तरीके का आपका यहाँ इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पर स्टाफ रख रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस ये डी वन होता है और ये कैसे होता है, इस तरीके का होता है, इस तरीके का, तो ये बॉटम की रीडिंग, ये टॉप की रीडिंग होती है, इनके बीच की जो गैपिंग होती है इसको एस वन बोलते हैं। तो एस वन फाइंड आउट करना कैसे होता है, टॉप में से बॉटम को माइनस कर देंगे, टॉप में से बॉटम को माइनस कर रहे हैं, तो देखिए मैं कैल्शियम कर रहा हूँ, वन, अच्छा ये टॉप है, ठीक है, तो 1.350 माइनस 0.775 ये किए तो वैल्यू कितना आ गया, आपकी वैल्यू है 0.575 आ गया। और वही अगर मैं P, ये तो P पॉइंट था, P से Q का किए, फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे R है, ठीक है, तो R के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो ये ऐसे होगा, ये आपका बॉटम है, ये टॉप का रेडिंग, तो इसके बीच में S2 मिलेगा, तो फॉर पी आर के लिए अगर मैं बोलूँ तो एस टू कितना मिल जाएगा, तो टॉप में से बॉटम को माइनस कर देंगे, कितना है 3.225, माइनस करना है 1.28 और आपकी वैल्यू आ गई है 1.945, ये वैल्यू आ गई एस टू की। अब यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है ना वो आपको मैं बता देता हूँ, फॉर अगर पी क्यू के लिए मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, पी क्यू के लिए, तो यहाँ पर डी इक्वल टू क्या हो जाता है, पी क्यू ही लिख देना इसको, पी क्यू ही इक्वल टू डी के एस वन प्लस सी, के की वैल्यू 100 है, एस वन की वैल्यू कितनी है 0.575 प्लस सी की वैल्यू 0 है, ये तो 0 हो गया, इसका मल्टीपल करोगे तो 57.5 ये आपका मीटर में आंसर आ गया, ये पी क्यू का डिस्टेंस बोल सकते हो, ठीक है। सेम वैसे ही अगर क्यू पी से आर तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो के एस टू प्लस सी कर लोगे, ये डिस्टेंस ही है, ठीक है। अब के की वैल्यू 100 है, एस टू की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 1.945 था, ठीक है, और प्लस सी की वैल्यू 0 है, इसमें मल्टीपल करोगे तो ये पॉइंट इधर आ जाता है, तो 194.5 इतना मीटर आ जाएगा पी आर का। तो इस तरीके से बहुत ईजी है, बस क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, क्वेश्चन बड़े होने की वजह से आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे, बड़े क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस के लिए जब कांस्टेंट दिया हो और कैसा हो, हॉरिजॉन्टल हो, तो उसके लिए आपको ये मेथड यूज करना है, ठीक है। जहाँ पे एंगल हो तो उसके लिए अलग मेथड, उसके वैसे टाइप के क्वेश्चन को भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तभी के लिए इतना है, धन्यवाद।